मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी गम, लाभ हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्यों के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार, जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया कर ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, ये भी नीचे कमेंट्स में लिखें। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वह जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वह ये है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद
उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद इस सातवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे वो सात संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भलीभांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्यों के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आप भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए उन अशुभ संकेतों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। खैर, आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके अवश्य लिखें। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं अमेज़न पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।